देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा सहित भारत के खिलाफ खड़े होने वालों को खुली धमकी देते हुए कहा, मुनव्वर राणा और उसके परिवार के लोगों के बयान हम लोगों ने सुने हैं, ऐसे लोग एनकाउंटर में मारे जाएंगे चाहे वो कोई भी हो, जो भारतीयों के खिलाफ खड़ा होगा उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। तो आनंद स्वरूप शुक्ला की खुली धमकी मुनव्वर राणा के लिए नजर आई है। उन्होंने कहा है कि जो भी देशद्रोह है चाहे वो कोई भी हो उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर भी होना जरूरी है। तो बलिया से ये खबर सामने आई जहां पर आनंद स्वरूप शुक्ला ने खुले तौर पर धमकी दी है और चुनौती दी है मुनव्वर राणा को। उन्होंने कहा कि हमने मुनव्वर राणा के परिवार के बयान सुने हैं, लेकिन जो देशद्रोह वाले बयान हैं, जो देशद्रोही हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं मिलेगी। वो उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश को छोड़ना ही पड़ेगा। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने कादीपुर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंगद चौधरी की पिटाई कर दी। डॉक्टर अंगद अपने दो साथियों के साथ कादीपुर कस्बे में अखबार लाने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान वहां पहले से मौजूद ओंकार नाथ मिश्रा नाम के युवक ने अंगद को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल अंगद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूर्व सपा विधायक और अंगद के पिता रामचंद्र चौधरी ने पुलिस से पूरी घटना की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूर्व प्रत्याशी की जमकर पिटाई की गई है, जिस पर पिता ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। जानते हैं ओमकार मिश्रा जी, ओमकार मिश्रा प्रत्याशी है कादीपुर से, ज्यादा कुछ है महाराज का, वो अखबार लेने गया था थोड़ा रह कर, और ओमकार मिश्र जारी कर रहे हैं उनको चार से घूम के निकल करके सब राशि से मारना शुरू करने लगे, और दोनों साथ उनको उठाए गए बचाए। आज दिनांक को लगभग सुबह 6 बजे अंगद चौधरी सना रामचंद्र चौधरी पटेल चौक पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी ओंकारनाथ मिश्रा जो कादीपुर के ही रहने वाले हैं वो अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे, पुरानी रंजिश को लेकर के अंगद चौधरी को बुरी तरीके मारा पीटा। अंगद चौधरी थाने पर आए, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया, थाना कादीपुर पुलिस ने उचित धारा मुकदमा पंजीकृत करके अधिक कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए मंच पर बाल बालाओं के डांस का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर जमकर बाल बालाओं का डांस हुआ, तस्वीरें आप देखें। समाजवादी पार्टी के राजनीतिक मंच पर डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो मेरठ की सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो सपा के राजनीतिक मंच पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क यहां नजर नहीं आ रहा है। अमरोहा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव कुंवर रोबिन त्यागी ने मुस्लिम दोस्त नदीम सलमानी के घर ईद की खुशियां बांटते हुए उनकी नमाज के साथ देश के अमन और शांति के लिए दुआ कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। वहीं रोबिन त्यागी का यह कहना है कि यह देश हिंदू मुस्लिम सौहार्द की पहचान रहा है और इस देश में हमेशा एक दूसरे के त्योहारों में हम लोग शरीक होते आए हैं। वहीं उन्होंने देशभर के लोगों से अमन शांति कायम रखने की भी अपील की है। देखिए कितनी बेहतरीन तस्वीर है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहां पर पेश की गई है। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को,
ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही मुल्क की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं कि यह देश हमेशा खुशहाल रहे, अमन चैन बना रहे, क्योंकि यह देश गांधी का देश है, बिस्मिल का देश है, अशफाकुल्ला खां का देश है, भगत सिंह का देश है। इस मुल्क के अंदर हमेशा शांति बनी रहे। एक बार फिर मैं ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और आपसी भाईचारे को कायम रखें, क्योंकि कुछ लोग सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। उन सारी चीजों को खत्म करके हम लोगों को आपसी भाईचारा बनाकर रखना है। बाराबंकी में एक व्यक्ति के खौफनाक कत्ल की साजिश का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या कर दी और राज छिपाने के लिए पति को बिजली के तार से करंट लगा दिया। मामले में पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में पत्नी ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। हालांकि इस हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बाराबंकी की घटना है जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। 18 जुलाई को थाना जयपुर के बोझा गांव निवासी सत्यनाम ने एक तहरीर दिया कि उसके भाई जगन्नाथ की हत्या उसके भाई की पत्नी और उसके प्रेमी मेराज ने मिलकर के गला दबा करके कर दिया है। इस पर 302 और 325 SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई, जो श्री धर्मेंद्र रघुवंशी वहां के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके नेतृत्व में उस टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल हुई और वो मृतक की पत्नी और मेराज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया कि मेरा संबंध मेराज से 6-7 महीना पहले हो गया था और मेराज अब मुझे आपत्तिजनक स्थिति मेरे पुत्र में देख लिया था, इससे बार बार रोका टोकी उसके पति द्वारा की जाती थी। सीतापुर के मानपुर में लगातार तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहां एक पक्का मकान गिर गया जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे सभी लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जितने भी लोग घायल थे उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कईयों के आशियाने उजड़ गए हैं, कईयों की जान भी चली गई है और इस तरह के हादसे लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने के लिए मिल रहे हैं। सीतापुर की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मकान गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। रामपुरगंज थाना पुलिस और SOG की तरफ से सूचना के आधार पर रामपुर और दूसरे जिलों से गाड़ी चोरी करके लाने वाले चोरों को पकड़ लिया गया। चोर फर्जी इंजन नंबर प्लेट लगाकर बमनपुरी स्टेडियम रोड के किनारे खरीद फरोख्त किया करते थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं चोरों के कब्जे से चोरी की इनोवा, फॉर्च्यूनर कार, ऑल्टो, सेंट्रो कार, एक बुलेट और 8 फर्जी नंबर प्लेट बरामद कर लिए गए हैं। रामपुर का एक पूरा मामला है जहां पर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कई गाड़ियां, कई बाइक से यहां पर चोरी की गई। जनपद रामपुर के SOG और दंड पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और इनके 2 साथी फरार हो गए हैं। इस दौरान का यह काम था कि अन्य प्रदेशों से और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद से गाड़ियों को चोरी करके लाते थे, उनका मोबाइल नंबर, चेसी नंबर, नंबर प्लेट बदल देते थे और सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में एक संदिग्ध बैग दिखाई पड़ा। बैग के साथ एक बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ एक कार भी निकला हुआ था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही ड्रग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस बैग की छानबीन में जुट गई। हालांकि बैग से कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं बरामद हुई है। कार से जुड़ी बैटरी के साथ बैग में रखे हुए कुछ कपड़े बरामद हुए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से कुछ आतंकी गिरफ्तार हुए थे और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश इससे बहला हुआ नजर आ रहा था।
आज भोर में कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर के वादी परिसर में संदिग्ध अवस्था में एक बाइक पाया गया जिसमें एक बैटरी पाई गई थी तथा उसके कर्मियों से तार जुड़े हुए थे। बाइक को आइसोलेट कराकर और रेलवे स्टेशन के द्वारा इसकी जांच की गई। जांच करने पर इसमें कोई आपत्तिजनक विस्फोटन सामग्री नहीं मिली है। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में चोरों ने सार्फा की दुकान में सेंध लगाकर लाखों के जेवरात और नकदी की चोरी को अंजाम दिया। वहीं दुकानदार को सुबह चोरी का पता चला, जिसके बाद दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को देकर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फतेहपुर की एक घटना है जहां पर आए दिन इस तरह की चोरी की वारदात हो रही है। फर्रुखाबाद के कायमगंज में रास्ते में बंधी पॉलिथिन हटाने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई और भतीजे ने एक ग्रामीण की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वहीं बचाने या चचेरे भाई की पत्नी और बेटे को भी घायल कर दिया। दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने हमला करने वाले पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है और घटनास्थल पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। फर्रुखाबाद का एक पूरा मामला जहां पर दबंग ने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। हापुड़ में बाबूगढ़ थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायर किया जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों को गोली लगी और एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का माल, अपाचे बाइक, पिस्टल और तमंचा बरामद किया है। घायल पुलिसकर्मी और बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तड़के पेरिफेरल पर खड़े ट्रक में आइसर कैंटर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कैंटर ड्राइवर कैंटर में ही बुरी तरह से फंस गया। वहीं पुलिस और राहगीरों ने कैंटर के कैबिन को काटकर घायल ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में सुबह सुबह यह भीषण सड़क हादसा हुआ। कानपुर के रसूलाबाद में ईदगाह में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। वहीं मस्जिद में 5 लोगों ने नमाज अदा की। इसी के साथ कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मुल्क की तरक्की और कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ मांगी गई। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। कानपुर की बेहद शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां शांति और सौहार्द के साथ नमाज अदा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। कानपुर के घाटापुर कस्बे में एक वृद्ध की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीयों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। तो कानपुर का एक पूरा मामला है जहां पर वृद्ध की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में भी ले लिया है। काशीपुरा गांव में घर से बाहर मचान पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों को घटना की जानकारी सुबह हुई, जब परिजनों ने युवक का शव लहूलुहान हालत में देखा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अलीनगर का एक पूरा मामला है जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इसमें हम लोग अलीनगर थाना क्षेत्र में काशीपुरा नई बस्ती क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सूचना मिली कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी उम्र लगभग 55-60 वर्ष है, जो कि एक मचान में अपने घर से लगभग 50 मीटर दूर सो रहे थे या सोते थे। इनकी इनका शव मिला सुबह और जो मिजोरम में ईद उल अजहा के त्यौहार को शांतिपूर्ण और एक अच्छे माहौल में संपन्न कराने के लिए डीएम और एसपी ने जिला का दौरा किया। साथ ही जिलावासियों को ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की भी अपील की थी। इसके साथ ही डीएम एसपी ने लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी जागरूक किया, जिसकी वानगी आज तस्वीरों में दिखाई दी है। Thank you.
बुलंदशहर के सिकंदराबाद के दुल्हेरा गांव में नाले की सफाई को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और कुछ ही पलों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस पूरे विवाद में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस के सभी आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुल्हेरा मारपीट करते और महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दुल्हेरा गांव में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के दुल्हेरा गांव में नाली सफाई को लेकर विवाद हुआ था। उसी में आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो गया है और अपनी यहाँ मौके मौजूद है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना भी हुई है। उसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी देरी थाने को प्राप्त होगी उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शांति है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की। वाराणसी के मैमूरगंज क्षेत्र में डॉक्टर सपना दत्त गुप्ता के देवर ने उनके सर पर हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी। वही आरोपी देवर अनिल कुमार दत्ता ने वारदात के बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि घरेलू विवाद के चलते देवर ने भाभी की हत्या की है। इसके साथ पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। वाराणसी का एक बड़ा मामला है जहां पर एक देवर ने अपनी भाभी की हथौड़े से सर पर मारकर हत्या कर दी। वहीं देवर ने थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। वहीं पुलिस के बारे में पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद के बाद इस पूरी घटना को देवर ने अंजाम दिया है। सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने आए पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है और जोर जोर उसके हंसते थे जिसपे मुझे गुस्सा किया हथौड़ी पड़ी थी। मैंने उनको हथौड़ी मार दी और कैंची कैची मैंने उनको मार दी। तो क्यों तुमको क्या कहना हो? नपुंसक कहती थी आए दिन की। इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। कौन कहता था? मेरी भाभी डॉक्टर सपना गुप्ता। सिलखाना थाना क्षेत्र में मनीराम बागिया ने एक दुकान पर कब्जे को लेकर मकान मालिक और कब्जेदार में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोप है कि पवन वर्मा ने अपने साथी के साथ मिलकर तरुण जैन और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी है जिसे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील होता हुआ नजर आया है। इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर का एक पूरा मामला है जहां पर जमीन का विवाद था और पहले बातचीत हो रही थी लेकिन बातचीत विवाद में बदल गई। विवाद के बाद खूनी संघर्ष होता हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। मारपिटाई की किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कानपुर का एक पूरा मामला है जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दो पक्ष आपस में मारपिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ दबंग जो है वो दो लोगों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। तो कानपुर का एक पूरा मामला, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पहले पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला जमीन को लेकर है। मामला ये है कि इन्होंने 1 जून को आनंद वर्मा, पवन वर्मा और इनके कुछ साथी मोनू गुप्ता सभासद सभा के जो चौक के हैं इन लोगों ने मिलकर हमारे मकान से दुकान है उसमें हाईकोर्ट से स्टे था, इन्होंने कब्जा करा था और आज जो है इन्होंने हमारे
जो पाए के बंडल लगे रहते उसने आग लगा दी मिट्टी का तेल दाह करके और उसके बाद रोका गया। तो आनंद वर्मा और पवन वर्मा और मोनू गुप्ता सभा से जो इनकी टीम पूरी है, इन्होंने जो है हम लोग के ऊपर पेचकस और जो आरी लकड़ी काटने वाली आरी होती है उससे पूरा हमला कर दिया और हमारे छोटा भाई तरुण जैन के पूरी छाती में पेचकस चाकू के समारे पूरा खून कच्चर हो गया है और हमारे भी पूरा ये माथे पे ये और ये पूरा होटो सब फट गया है। श्रावस्ती में त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद बुधवार को पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बलिदान के इस पाक पर्व को शांति के साथ मनाया है। इस अवसर पर बकरों की कुर्बानी दी गई, वहीं मस्जिद और ईदगाहों में नमाज अता कर खुदा से रहमत मांगी गई है। हालांकि कोविड काल होने के कारण मस्जिदों में भीड़ कम देखने को मिली, लोगों ने प्रशासनिक अपील का ख्याल रखते हुए घर पर ही नमाज अता की है। तो श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट नजर आया था और काफी समय पहले से ही लोगों से अपील की जा रही थी कि ईद के मौके पर, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में अपने घरों पर रहकर ही नमाज अदा करें। अगर आप मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं तो एक समय पर 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसे में आज इसकी वानगी भी देखने को मिली है, आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर सिर्फ 5 लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हर्षोल्लास के साथ ही यहां पर सौहार्द की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा जो भी नमाजी थे उन्होंने रहमत के लिए दुआ मांगी है, अमन चैन के लिए दुआ मांगी है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सभी इलाकों में नजर बनाए हुआ था। श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोरोना काल की वजह से इस तरह की तस्वीरें जो है हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ईद के मौके पर हमेशा हमने देखा है कि बाजार पूरी तरह से साजो सामान के साथ रौनक नजर आते हैं और इसके अलावा काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है, लेकिन बीते 2 सालों से कोरोना काल की वजह से ऐसी तस्वीरें कम ही नजर आ रही हैं। हालांकि जान बेहद जरूरी है, त्योहार तो हर साल आएंगे, बहुत हंसी खुशी के साथ मना सकते हैं, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरह से गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तीज हो त्योहार हो, जान पहले है उसके बाद हम किसी भी तीज और त्योहार को मना रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें आज बकरीद के मौके पर श्रावस्ती से सामने आई है। तो अमन की दुआ यहां पर रखी गई है, प्रशासनिक अपील का भी यहां पर खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि पहले से ही सभी जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों को ये कह दिया था, ये आदेश दे दिया था कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या कोई हलचल नहीं होनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करवाना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मस्जिदों में भीड़ नहीं हो सकती, संक्रमण का खतरा है। ऐसे में लोग एक दूसरे के घरों पर भी ना जाएं, हो सके तो कम संख्या में जाएं, वरना घर पर बैठे ही एक दूसरे को फोन के माध्यम से बधाइयां दे सकते हैं। इसके अलावा अमन चैन की दुआ भी कर सकते हैं। तो लोगों ने उसका पूरा ध्यान रखा है इस अपील का, 5 की संख्या में लोग मस्जिदों में गए हैं, नमाज अदा की है, अमन चैन के लिए दुआ मांगी है। इसके अलावा साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहा है। ये तस्वीरें श्रावस्ती से आप देख रहे हैं, हालांकि सिर्फ श्रावस्ती में ही पूरे उत्तर प्रदेश में अमन और चैन की तस्वीरें अब तक सामने आई है। तो देशभर में बकरीद का त्यौहार यानी कि ईद उल अजहा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी हिंसक घटना सामने नहीं आई है। हरदोई में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बांटने के लिए करीब 6 लाख किताबें आई हैं। ये किताबें काशीराम कॉलोनी स्थित बीआरसी सेंटर पर रखवाई गई हैं, जहां से सभी शिक्षा अधिकारियों को ये किताबें दी जाएंगी ताकि सभी विद्यार्थियों तक किताबें पहुंच जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में कक्षा 1 से लेकर 8 तक करीब 5 लाख छात्र छात्राएं हैं, जिनके लिए इस बार लगभग 32 लाख से ज्यादा किताबें भेजी जाएंगी। तो ये तस्वीरें हरदोई से आप देख रहे हैं, जहां पर कई पुस्तकों के नाम और पाठ्यक्रम बदले गए हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि बच्चों के पढ़ने के लिए जो किताबें हैं वो पहले से ही स्टॉक में रख दी गई हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरदोई की तस्वीरें हैं, 6 लाख किताबें बताई जा रही हैं जिसकी पहली खेप हरदोई पहुंच गई है। कई पुस्तकों के नाम पाठ्यक्रम बदले गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से स्कूल तो नहीं खुल पा रहे हैं, हालांकि जब पहली वेव आई थी उसके बाद चीजें व्यवस्थित होती हुई नजर आई, तो जैसे तैसे स्कूल खोले गए, लेकिन दूसरी वेव में एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए गए थे, अभी तक स्कूल खोले नहीं गए हैं। ऐसे में आगे उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ
स्थिति सामान्य रही, सब कुछ ठीक रहा तो स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि तमाम राज्य जो हैं इस पर विचार कर रहे हैं, इसमें यूपी भी एक है। यूपी विचार कर रहा है कि अब स्कूलों को धीरे धीरे करके खोला जाए ताकि 50% की क्षमता के साथ बच्चे स्कूल आ सके, तो उन्हीं के लिए किताबें हैं ताकि वो अपना पूरा कोर्स करें और आगे फिर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। दो साल से तो ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं कोरोना की वजह से। स्कूल खुलते हैं, कई बार ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से गाइडलाइंस को फॉलो करवाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। जनपद में टोटल 32 लाख लगभग किताबें आनी है बच्चों को वितरित करने के लिए निःशुल्क, जिसमें प्रसिद्ध विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में, वितरित हो रही है, जिसमें लगभग 18.03% 5,94,000 किताबें प्राप्त हो गई हैं और ये काशीराम कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में रखी गई हैं। इनका समय सत्यापन उपरांत वितरण करा दिया जाएगा जल्दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ।